बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है। बंगाल चुनाव में भाजपा का जमानत जब्त होने वाला है। पूरे देश के गांव-गांव, टोले टोले में हम लोग जाएंगे, जगाएंगे और इस मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंके। तो क्या माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर बंगाल में खुद मुख्यमंत्री बनने जाएंगे क्या? नहीं तो आपका बंगाल को बेचकर ये लोग कंगाल बनाने का काम करेंगे। हमारे गरीब मजदूरों को, किसानों को किस प्रकार रौनते हैं और किस प्रकार अपनी दमनकारी नीतियां हम पर थोपना चाहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की सुरक्षा देंगे, कहीं ना कहीं ये साजिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो इनकी इज्जत थी अब धूल में मिल गई। सियासी सरगर्मियों के बीच में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसने सियासी सरगर्मियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। सरगर्मियाँ सबसे ज़्यादा जहाँ तेज़ हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव में जो सबसे ज़्यादा सरगर्मियाँ तेज़ करने वाला राज्य बना है वो है बंगाल। बंगाल इसलिए कि बंगाल में तमाम सेलिब्रिटी अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्हीं सेलिब्रिटियों में से एक हैं मिथुन चक्रवर्ती। बीजेपी का दामन थाम लिया है, तमाम बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक बात बताइए, मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बोल रहे हैं योद्धा हूँ, लड़ूंगा यहाँ भी। अरे मिथुन चक्रवर्ती, वही मिथुन चक्रवर्ती बंगाल को क्या सुरक्षा देंगे जिनके हर फिल्म में उनको किडनैपिंग हो जाता है। वो मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की सुरक्षा देंगे, कहीं ना कहीं ये साजिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो इनकी इज्जत थी अब धूल में मिल गई है। क्योंकि बंगाल की जनता को जिस तरीके से उन्होंने धोखा देने का काम किया है कि बीजेपी में ज्वाइन करके, क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जो देश के युवाओं को सड़क पर लाने का काम की है, देश की महिलाओं को सड़क पर लाने का काम की है, देश के किसानों को सड़क पर लाने का काम की है, उस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, उस पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी उन्होंने गलती की है और हमें उम्मीद है कि बंगाल की जनता बीजेपी और मिथुन चक्रवर्ती को मिट्टी चखाएगी, धूल चटाकर ही रखेगी। मोदी जी, एक बात बंगाल की जनता से और कह देना चाहता हूँ, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। आप बंगाल की जनता, इस भाजपाइयों को आप हराने का काम कीजिए, नहीं तो आपका बंगाल को बेचकर ये लोग कंगाल बनाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग बंगाल से इस भाजपा का जमानत जब्त कराएं और बंगाल से इन भाजपाइयों को बेरंग लौटाने का काम करें। मैं आता हूं, एक बात बताइए, बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो क्या लगता है राकेश टिकैत जी वहां पर महापंचायत करेंगे, सरगर्मियां और तेज होंगी, आरोप लगेगा राजनीति प्रपंच रचा जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र है और हमें संविधान अनुमति देता है कि हम कहीं पर भी जाकर अपनी बात रख सकें, कहीं पर भी वहाँ जाकर महापंचायत कर सकें। आरोप तब लगना चाहिए जब राकेश टिकैत जी किसी पार्टी विशेष के मंच पर जाकर भाषण दे और सत्ता में बैठे लोगों को उखाड़ने की बात करें। हम किसानों के मंच पर जाते हैं, किसानों का मंच बनता है, किसानों की महापंचायत होती है और उस मंच के माध्यम से इस धरती पुत्र की बात होती है, किसानों की बात होती है, जमीनों की बात होती है, बिलों की बात होती है, MSP की बात होती है। उस मंच पर यह बात नहीं होती कि किसको वोट देनी है और किसकी वोट नहीं देनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ममता दीदी ने हमारा बंगाल की जनता का विश्वास तोड़ दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, पहले स्पष्ट कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री, आप वहाँ पर नारा लगवाते हो अब की बार मोदी सरकार, तो क्या माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर बंगाल में खुद मुख्यमंत्री बनने जाएंगे क्या? इस इतिहास का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो प्रधानमंत्री ना होकर किसी पार्टी विशेष के प्रचारक के रूप में काम कर रहा है, पार्टी विशेष का प्रचार कर रहा है। प्रधानमंत्री इस पूरे देश की पूरी 135 करोड़ जनता का है, तो है तो वो है तो प्रधानमंत्री ना, तो प्रचार करने तो जाएंगे भाई साहब। कुर्सी एक ऐसी कुर्सी होती है प्रधानमंत्री की, उस पर बैठने के बाद कोई पार्टी विशेष नहीं रह जाती है। उनके कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, उनके मंत्री बीजेपी के हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति अगर नु कहने लगे प्रधानमंत्री को मेरा काम कर दो, तो क्या वो कहेंगे कि मैं बीजेपी का हूँ तो सबका का काम नहीं होगा? जब प्रधानमंत्री की योजनाएं निकलती हैं, क्या वे बीजेपी के लोगों को मिलती है? पूरे देश दूसरी पार्टी को भी मिलती होगी ना। तो प्रधानमंत्री को किसी भी पार्टी विशेष का प्रचार करने का हक नहीं है, उन्हें सिर्फ देश की गद्दी संभाले, राज्यवास संभाल लेंगे। अच्छा, अभी आ रहा हूँ आपके पास, अभी आऊँगा। एक बात बताइए, मोदी जी ने बोला है कि ममता दीदी ने लोगों का भरोसा तोड़ा है,
भरोसा किसी ने तोड़ा है देश में तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे और देश के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपये मिलेंगे, देश के महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महंगाई कम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, देश की जनता को उन्होंने धोखा दिया, ना 15 लाख रुपये आए ना ही 2 करोड़ रोजगार मिला, बल्कि महिलाओं को अपमान करने का काम किया, उनको बलात्कारियों को बचाने का काम किया। अरे बीजेपी के लोग महिला को युवाओं को रोजगार कभी दे ही नहीं सकते, ये लोग कर सकते हैं केवल तो केवल देश को तोड़ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में और गाय गोबर में तोड़ सकते हैं। आप बताइए ना, मोदी जी कहते हैं कि किसानों का आंदोलन पवित्र है, लेकिन उनके मंत्री आज भी किसानों को गाली दे रहे हैं। कैसे आंदोलन पवित्र हो सकता है? भाजपा के लोग, इनके अंदर शर्म नहीं है, अगर शर्म है तो चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो, क्योंकि किसानों को तुम बदनाम करने के लिए एक से एक षड्यंत्र रचा। लेकिन आज किसानों का आंदोलन अभी भी नीति और नियत किसानों का साफ है, और जो लोग कहते थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो आज हम 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए अभी भी बॉर्डर पर टिके हुए हैं, लेकिन जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन हम अपने हक और अधिकार के लिए रुके हुए हैं और तब तक रुकेंगे, क्योंकि दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या लगता है कैसे चलेगा आगे का जीवन, इतनी महंगाई बढ़ रही है? देखिए, ये पेट्रोल के सैकड़े की बात नहीं है और नहीं आंदोलन के सैकड़े की बात है। देश के अंदर मोदी जी को जो राम जन्मभूमि और जो धारा 370 उन्होंने लाया था उसके खातिर देश की जनता ने मैंडेट दिया था। इस बात के लिए मैंडेट नहीं दिया था कि तुम देश के किसानों को बेचो, देश के विमानों को बेचो, देश की रेल खाना को बेचो या हिंदुस्तान को बेचो, इसलिए उसको मैंडेट नहीं मिला था। मैंडेट उसको इसलिए मिला था कि उसने एक लालच दी थी कि मैं एक अच्छा प्रधानमंत्री हूं और देश के लिए काम करूंगा। लेकिन उस भरोसे पर, जिस भरोसे के कारण देश ने उसे सम्मान दिया है, उस भरे को उसने तोड़ा है। अब आज देश के अंदर हम किसान लोग अब 101 दिन से निरंतर काम कर रहे हैं कि आप किसानों की 3 मांगे जो कुछ भी नहीं है, 3 काले कानून को वापस करो, समर्थन मूल्य पर कानूनी जमा पहना दो, लेकिन वो 3ों कानून ये नहीं वापस कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे देश अडानी को, अंबानी को मोदी जी बेच चुके हैं, उनके तमाम गोदाम भरने के लिए, उनके पास पूरा देश बिक्री करने के लिए, उनके पास पूरा खाका बन चुका है। इसलिए हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर सब एक होकर के पूरे देश के गांव-गांव, टोले-टोले में हम लोग जाएंगे, जगाएंगे और इस मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। क्या लगता है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सरगर्मियां तेज हो रही हैं, किसान आंदोलन में कोई फर्क पड़ेगा? मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, दतिया जिले से, मेरे बॉर्डर पे झांसी लगा हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि किसान इतना आक्रोशित है, लेकिन जो परंपरा पहले से रही है, आपने देखा होगा कि जब झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी तो उन्हें किस प्रकार गुमराह किया गया, इसी प्रकार अभी भी किसान को गुमराह किया जा रहा है कि वो तो एक लोगों का आंदोलन है, ये फला ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से जब 100 साल पहले आज़ादी के रानी लड़ी और रानी को इसलिए भागना पड़ा झांसी से क्योंकि इन लोगों ने ये नैरेटिव सेट किया, एकदम ऐसा समझाया लोगों को कि ये गलत है, ऐसा ही जो अभी हो रहा है। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो हम नौजवानों को ये पता ही नहीं चलता कि आज़ादी की लड़ाई कैसे मिली थी। इस आंदोलन से ये पता चलता है कि अंग्रेज किस प्रकार हमारे गरीब मजदूरों को, किसानों को किस प्रकार रौनते हैं और किस प्रकार अपनी दमनकारी नीतियाँ हम पर थोपना चाहते हैं। यही हाल अब हो रहा है देश में, हमारे ऊपर गलत नीतियाँ थोपी जा रही है। किसान जमीन का मालिक है, किसान खेती का मालिक है और ये कह रहे हैं कि आप उद्योगपति के हिसाब से खेती करिए। बताइए, आप 100 साल से किसान खेती कर रहा है, जिस प्रकार अंग्रेजों ने किसान की पारंपरिक खेती को तोड़कर नील की खेती करवाई थी जिससे किसान को कोई प्रॉफिट नहीं था क्योंकि नील विदेश जाता था। चलिए अभी आते हैं उस मुद्दे पर आते हैं। एक बात बताइए, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि ममता दीदी ने बंगाल के लोगों का भरोसा तोड़ा है,
ये देखिए जिस तरह से जो है मोदी जी कह रहे हैं ना, तो क्या ये कहावत है कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा ना मिले आ कोई, और जो मन खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। मोदी जी अपना तो मतलब नहीं देखते हैं कि आपने कितना जो है भरोसा तोड़ा है। मोदी जी ये बताएं कि मोदी जी ने जो भरोसे जो है वायदे किए थे उन पर कितना खरा उतरे। मोदी जी ने जो है वायदा किया था बहुत ही डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार आप देखिए डीजल शतक पार पेट्रोल शतक पार कर गया है। बहुत ही महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार दिन दहाड़े यूपी में महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब देखिए किसान जो है यहाँ पर 100 दिन से 101 दिन से बैठे हैं, मोदी सरकार सुध लेने वाली नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार लगातार महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी पढ़ाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों से बचाओ, तो ये तमाम वायदे करके भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ममता दीदी ने भरोसा तोड़ा है। अरे मोदी जी ने तो इतने भरोसे तोड़े हैं कि अगर मोदी जी अब कोई भी भरोसा वादा करते हैं ना तो उस पर किसानों की यकीन नहीं है। मोदी जी कहते हैं MSP था, MSP है और MSP रहेगा, लोगों को यकीन नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तो तमाम वादे तोड़े हैं। ठीक है, जो महापंचायत कर रहे हैं चुनावी तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं लगातार बता दूं कि एक बड़े पत्रकार ने जो टीवी चैनल के पूछा था टिकैत जी से, और भारतीय किसान यूनियन की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरह से अराजनैतिक है, और राजनीति करने का सबको अधिकार भी है। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति सब कर सकते हैं। क्या किसान राजनीति नहीं कर सकते हैं? अगर राजनीति करना कोई गुनाह है, अगर टिकैत साहब भी राजनीति करेंगे तो क्या गुनाह है? अगर किसानों की एक पार्टी आकर के राजनीति करेगी, क्योंकि हम तो लगातार कह रहे हैं कि जो है जो किसान मजदूर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अगर भविष्य में राजनीति करते हैं तो गुनाह क्या कर दिया? और लगातार ये जो राजनीति की बात कर रहा है तो टिकैत साहब ने इससे सिरे से इनकार कर दिया था, खारिज कर दिया था कि वो भविष्य में राजनीति नहीं करेंगे। एक बार ऐसी बीमारी लगी थी, और अगर राजनीति करते भी हैं तो मेरे हिसाब से ये कोई जो है अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, करना चाहिए। किसानों को जो राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जो कहा करते थे कि किसान का एक नज़र खेत पर और एक संसद में होनी चाहिए, एक पैर खेत में और एक संसद में होना चाहिए। अच्छा, आखिरी शब्दों में बताइए कि बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है, कम शब्दों में? बंगाल चुनाव में भाजपा का जमानत जब्त होने वाला है, क्योंकि जो मिथुन चक्रवर्ती ने ज्वाइन किया है वही मिथुन चक्रवर्ती है। ये लोग भाजपा के लोगों को, बंगाल की जनता भगाने का काम करेगी, और पूरे तरीके से हमें उम्मीद है कि बंगाल की जनता भाजपा को हरा देगी, जमानत जब्त करा देगी।